नमस्कार। हिंदी के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन चैनल पर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आप इसको चाहे इंस्टीट्यूट कह लीजिए, चाहे आप इसको सिर्फ चैनल समझिए, बिल्कुल आप सबके लिए काफ़ी मेहनत से मैं ये प्रश्न लेकर के आता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह जिसका प्रयोग होने लगे उसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, यानी क्रिया का अर्थ वाली संज्ञा शब्द। अगला है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया आपका उपसर्ग। अगला है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो अव्यय के कुल चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये कोई अव्यय का भेद नहीं है। विस्मयादि बोधक अव्यय को ही हम एक नाम और बोलते हैं भावादि बोधक, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अव्यय के कुल चार प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक या फिर भावादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, ये कुल चार प्रकार होते हैं। मित्रों, जितने भी चैनल से पहली बार जुड़े हो या फिर जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं दुराचार शब्द का अर्थ होता है जुल्म, तो दुर उपसर्ग लगाने से ऐसा होगा। पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? तो पैतृक बनेगा, प्रत्यय यहाँ पर प्रत्यय होना चाहिए था, एक प्रत्यय यहाँ पे। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्वित और कृदंत। कृदंत प्रत्यय जो धातु या क्रियाओं के अंत में लगाए जाते हैं, इनकी कुल संख्या 28 होती है। और दूसरा प्रत्यय होता है तद्वित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाए जाते हैं उनको कहते हैं तद्वित प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिकाऊ। बिकना आपका एक क्रिया एक धातु है, उसके अंत में प्रत्यय लगने से आऊ प्रत्यय लगने से बन गया आपका बिकाऊ। सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो मलिन शब्द आपका प्रत्यय युक्त है, माली में इन। याद रखिएगा, जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करें हमेशा सार्थक शब्द बचना चाहिए, तो इससे क्या होगा आपका कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसको आप अलग अलग करने में गलत कैसे कर सकते हैं? अगर आपको सार्थक शब्द का बिल्कुल ढूंढना रहेगा तो कभी गलत नहीं होगा। माली एक सार्थक शब्द है, इसमें इन प्रत्यय लगाने से बनता है मालिन, ठीक है। एक्चुअली ये मालिन होना चाहिए था यहाँ पर। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग और अह, ये दोनों आपके अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। हिंदी में कुल मूल वर्ण जो है चार, मूल स्वर जो है चार होते हैं अ ई उ री, कुल स्वरों की संख्या होती है 13। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यंजनों को हल भी कहते हैं, स्वरों को अच भी कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कह देते हैं। डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर लिखित पूछेंगे तो वर्ण हो जाएगा और मौखिक पूछेंगे तो ध्वनि हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, वर्ण। अनुभव में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, अनुभव में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा अनुभविक। ए इज द राइट आंसर।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। संज्ञा कुल 5 प्रकार का होता है। तो डायरेक्ट प्रकारों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार का होता है। समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार का होता है, विभक्तियाँ 8 होती हैं, लिंग 2 होते हैं, वचन 2 होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर ये प्रश्न आपका गलत है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चारों ही आपका इसमें, एक मिनट रुक जाइए फिर से। लिपि प्रश्न बिल्कुल सही है आपका। लिपि, पच्चे और भाषा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि देवनागरी एक विशेष लिपि का नाम है, ठीक है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी ये भाषाएं लिखी जाती हैं। तो देवनागरी आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे आप, कोई भी आप गलत आंसर नहीं पढ़ेंगे। अगला है, बहुत बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश है। तो विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर जो आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी प्रकार होते हैं, उप प्रकार होते जाते हैं उसके आगे भी। तो बहुत सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी इज द राइट आंसर। अगला है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो मैंने आपको अभी बताया, ये सभी जो है विशेषण के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में इत प्रत्यय है। तो प्रोत्साहित शब्द में इत प्रत्यय लगा है, जबकि प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो मित्रों, ये श्रृंखला मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो, आगे के जो प्रश्न हैं अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।